नहीं, थैंक यू, बहुत होनहार लड़का है आपका। आप बेफिक्र रहिए, मैं इसको बहुत बड़ा इंजीनियर बना के रहूंगा। ए चुप हो जाए, आपको नहीं कह रहा। अरे मैं खुद पीएनसी टीचर बन गया, पीएम नहीं, पीएन, पीएन। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसको खुद बोलूंगा अन अकेडमी पे पढ़ ले। अरे नहीं, आप जैसे माँ बाप ही तो हैं जो टीचर को टीचर डे पे विश करते हैं, वरना आजकल किसको कदर है, सब माँ बाप लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपका लड़का होनहार है, दूसरों की तरह नालायक और कामचोर नहीं है। जी आपका फोन आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नमस्ते सर। किसने कहा बैठने के लिए? हैप्पी टीचर्स डे सर। सो रही है, इलेक्शन में खड़ा है क्या? हैप्पी टीचर्स डे सर। क्या ये मिठाई है, पापा ने भेजी आपके लिए। बैठो। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मतलब माँ बाप कोई नहीं आया आज मीटिंग में, अकेले कर लोगे आज? सर टीटू मामा आए। पर मैंने तुझे पहले भी कहा था कि आज पार्सल उठाना है। सो रही है। तो मैंने कब बोला नशा करके पड़ी है बच्ची, है सोएगी। धीरे। ओ सॉरी। अच्छा एक काम कर, उसकी पहली नहीं तीसरी, नहीं एक से पांच के बीच में चुन, चार। हाँ चौथी उंगली काट दे। अरे नहीं What? अच्छा नहीं तो पांच ही काट दे। क्यों काटनी है? मैंने 5 लाख रुपए नहीं दे रहा, 3 महीने का टाइम मांग रहा था, मैंने 5 महीने दिए, उसके बाद भी फोन नहीं उठाया, घर गया तो ताला लगा था, फिर पता चला अगली फ्लाइट पकड़ के निकल रहा है, एयरपोर्ट पे धर दे बच्चे, इसकी माँ का विजय माल है, पांचों काट दे। धीरे। अरे के क्या कह, तो धीरे काटेगा, कसाई बन जा। चुप हो जा बेटा, सो जा जाने मन। अपनी बेटी को क्यों लाया स्कूल में? इसकी माँ और मेरी कल बहस हो गई कि मैं कितना बेकार बाप हूँ, उसको लगता है मैं बच्चों को नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं इसको आज यहाँ ले आया। कितनी क्यूट है, बोलती है? भालू की बच्ची नहीं है, मेरी बच्ची है, बोलती है जब मन होता है तब। अभी इसके दूध पीने का टाइम है। कौन पिलाएगा? मैं। कब से क्या बोतल मंगाई है? ओह नो। आ गए, लाओ दो। थोड़ा सा पिएगा, थोड़ा सा और ले, थोड़ा सा दूध है बेटा, दूध है बेटा, थोड़ा सा पी ले बेटा। इसके मुंह से धुआं क्यों निकल रहा? इतना खोलता हूँ गरम, कितने सेकंड रखा था? 10 मिनट। अरे मासूम बच्ची का मुंह है, किसी हलवाई की कढ़ाई नहीं है, मेरी बेटी का मुंह चला दिया। अरे इसको लेके जा ठंडा पानी ला। सॉरी बेटा। आपकी वाइफ सही कहती थी, तुम्हारे राय की जरूरत नहीं है मुझे, जब बाप बनोगे तब पूछूंगा। इसको तो बहुत टाइम है अभी। ऐसा आपको लगता है? देखा है मैंने इसको लड़कियों के आगे पीछे घूमते, वो डिस्कवरी चैनल पे नहीं देखते थे बंदर बंदरिया को और कुत्ते कुतिया को पीछे से सूंघते हैं, वैसे ये भी लगा रहता है ताकि मौका मिल जाए। पीछे से सूंघते हैं मतलब? बेटा वो हिंट देते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, दोनों को सूंघ के पता चल जाता है। मेरी वाली को तो शायद जुकाम है। What? कुत्तों का कितना सही है ना बेटा, पीछे से आए और पीछे से ही चले गए। अरे क्या चले गए, अपने इस होनहार भांजे की आंसर शीट देखिए, इससे पूछा रावण इतना खुश क्यों रहता था, तो लिखता है एक ही ऑर्गेज्म में 10-10 मुंडियां खुश। हिंदी की कविता में एक सवाल आया, उन्हें जाना है तो जाने दो, रोकने का क्या फायदा, रोक लिया तो फिर से रो देंगे हम। इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये लिखता है, अर्थात कवि अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं, मरा मेरे दिल पे ने कोई काबू। जीके के एग्जाम में पूछा इंडिया में फास्ट कब करते हैं, तो कहता है जब काफी टाइम से ना किया हो। सही तो बोला। अरे व्रत की बात हो रही है, फास्ट, इनको सिर्फ एक ही चीज सूझती है, बायोलॉजी टीचर परेशान हो चुकी है, सिर्फ रिप्रोडक्शन पढ़ना है। बेटा ये मजाक की बात नहीं है, ऐसे तंग नहीं करते, और भी जरूरी टॉपिक होते हैं जिनको पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। मामा मैं सब पढ़ता हूँ। अच्छा गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स, करण जौहर। क्या सही तो बोला। सर आज टीचर्स डे, आपका दिन है, आज तो गुस्सा मत कीजिए। बेटा कोई कारण तो दो गुस्सा ना करने का, तुम लोगों की वजह से बीपी की गोलियां खानी शुरू कर दी है मैंने। आपकी बेटी को आपके गुस्से वाली वाइब्स मिल रही होंगी, नॉट गुड फॉर हर, उसकी खातिर शांत हो जाइए। सही बोल रहा है भांजे, बच्चों के सामने गुस्सा करोगे तो बड़े होके गुस्सैल बनेंगे। अच्छा तुमने कभी बच्चे हाथ में लिए? बहाए हैं। लिए हैं कुत्ते के, इंसान के बच्चे कभी हाथ में लिए, गोद में पकड़े? हाँ एक दो बार लिए हैं। ये लो पकड़ो ध्यान से। लड़का होशियार है, सब कुछ ठीक है, पर एक इंसान को उसकी संगत मारती है। इसका अगर वो दरिंदों का ग्रुप छूट जाए ना, तो मैं इसको जेईई का एग्जाम पास करवा दूंगा आसानी से। सर लेकिन मुझे ये सब नहीं पढ़ना। कोई बात नहीं, अन अकेडमी पे पढ़ लो जाके, वहां कैट गेट जितने कितने ही एग्जाम की तैयारी होती है, उस प्लेटफॉर्म पे बेस्ट टीचर है हजारों में जो सब कुछ पढ़ाते हैं, और वहां ऐसे भी टीचर है जो ये सारे एग्जाम खुद क्रैक कर चुके हैं, बहुत उम्दा जगह। वाह वाह वाह, टीचर हो तो ऐसे है बेटा, तुम बड़े नसीब वाले हो जो तुम्हें ऐसे गुरु मिले हैं, हमारे जमाने में तो टीचर पहले थप्पड़ मारता था फिर पढ़ाता था। सरकार ने रूल चेंज कर दिए अब। क्या? नहीं कुछ नहीं, आप इसकी संगत छुड़वा दीजिए, वो बनछोड़ दास। सर वो दिल का बहुत अच्छा है। अरे जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो क्या सीना चीर के दिल दिखाओगे? सीवी देखते हैं, वो नालायकों की फौज है। एग्जाम में एक सवाल आता है, हु एम आई, उसमें पूछा कि मैं चारों तरफ हूँ, मैं हर कण में हूँ, मैं मिट्टी में हूँ, मैं आसमान में हूँ,
मैं हर दिशा में हूँ, कौन हूँ मैं? तो लिखता है राधिका आप्टे, अजीबो गरीब सवाल पूछता है। उस दिन पूछता मंगल ग्रह पे मंगल को छुट्टी होती है क्या? सही तो पूछा। अच्छा फिर तो ये भी बता दो कि मच्छर के काटने से डेंगू क्यों होता है, एड्स क्यों नहीं होता? क्योंकि मच्छर डंक मारता है, गांड नहीं। पूरा खानदान ऐसा है। फालतू सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। क्योंकि ये आपका भांजा मुझ पे ऐसे बेतु के सवाल फेंकता है। फेंकने दो, बच्चे इस उम्र में सीखने की इच्छा रखते हैं। कल को ये बड़ी होके तुमसे पूछेगी पापा ग्रेविटी क्या होती है, तो प्यार से समझाओगे या चौथी मंजिल से धक्का दे दोगे? सर पापा ने मिठाई भेजी है, वो तो खा लीजिए। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे आदमी है इसलिए तुम्हें झेल रहा हूँ मैं, वरना ऐसे पड़ी लकड़ी अंदर लेने का शौक नहीं है मुझे। फिजिक्स के एग्जाम में पूछा कि विच लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड आफ्टर हीटिंग, तो कहता जलेबी। तू बेटा जाने दे, तू इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है। आजकल इन्होंने क्लास में नया ड्रामा शुरू किया है, वो प्रीति जिंटा और सैफ अली खान का गाना गाते रहते हैं। कौन सा है वो जिसके अंदर ताली बजाते हैं? हाँ कुछ तो हुआ है। लाओ इधर दो, इधर दो। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी चीनी की बोरी है क्या ये बेवकूफ? एंटी ग्रेविटी। सर पापा का फोन आ रहा है, वो मिठाई के बारे में पूछ रहे होंगे, कैसी लगी बता दीजिए। हाँ पापा। हेलो भुवन बेटा, वो मिठाई मत दियो सर को, उसमें ना कीड़े लगे हुए हैं, 4 महीने पुरानी दे दी बेवकूफ ने, नई वाली भिजवाऊंगा, वो देना। इसको कूड़े में डाल दियो, सुन रहे ना? सर पानी पी लो, सर पानी पी लो। अच्छा तूने वो बोतल देखी है क्या पानी की, जिसके अंदर मैंने डीजल डाला था? कौन सी? अरे नीले रंग की बोतल है। हेलो हेलो, अभी पकड़ी, अभी पकड़ी। हाँ मेरा बेटा, तेरे से ज्यादा चीची तेरा पापा करेगा, क्या करेगा? चीची।